क्या हाल चाल आप सबके, टेक तक में आपका स्वागत। ये हमारा एक और बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, बिकॉज आज हम बातचीत कर रहे हैं विक्रांत गुप्ता के साथ। ये हमारे आज तक के स्पोर्ट्स तक की सबसे बड़ी आवाज़ है, स्पोर्ट्स एंकर हैं, पूरा देश जानता है इनको। एंड वी गोइंग टू टॉक टू हिम टुडे अबाउट टेक। आज टेक की बातें करने वाली हैं, स्पोर्ट्स को थोड़ा परे रखेंगे सर। थैंक यू वेरी मच फिम। जब मैं यंग था, मतलब जवान था, हाँ जी, तो मैं समझता था यार मैं बड़ा टेक सेवी हूँ। जब नोकिया के फ़ोन आए थे, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो है वो ज्यादा टेक सेवी हैं। बूढ़े नहीं हुए, मैं उनसे सीखता हूँ। कहने की क्या बात है, वो देवानंद भी कभी बूढ़े नहीं हुए थे। बूढ़े नहीं हुए थे तो मैं भी यंग एट हार्ट। अच्छा, बट वुड यू कंसिडर योरसेल्फ, आप अपने आप को टेक सेवी किस स्तर तक मानोगे, 1 to 10 के बीच में? मैं टेक अवेयर हूँ। टेक अवेयर? मैं टेक अवेयर हूँ, मतलब रोटी बना सकता हूँ, अपना पेट पाल सकता हूँ, इट्स लाइक दैट। बट आई थिंक हमारा प्रोफेशन ही ऐसा शिवम की वी हैव टू बी टेक अवेयर। और अब वो जमाना नहीं रहा कि टेलीविजन कैमरा ने शूट कर लिया और जाकर टीवी पर एंकरिंग कर दी। इतने सारे एवेन्यूज हैं भाई, पहले लगता था कि फेसबुक जो है एक पर्सनल अकाउंट है, बट आज की तारीख में फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यू गॉट टू बी एक्टिव ऑन दैट, क्योंकि ये टूल है हमारे प्रोफेशन के लिए। और जिस तरह से टेक तक यूट्यूब चैनल है, इसी तरह से स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल और कई तक है, वो आप एक एक करके देखेंगे। यार इसके लिए तो मैं कई बार रात को सो रहा होता हूँ, शिव मेरी नींद खुलती है और मैं फटाफट अपना फोन निकालता हूँ और जो YT टूल्स है ना, हाँ जी, उसको देखता हूँ, व्यूज कितने हो गए, सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ गए। सीरियसली बता रहा हूँ, इट्स लाइक अ टॉय नाउ, बट इट्स लाइक अ टॉय यार, यू कांट डू विदाउट इट, यू कांट डू विदाउट इट। मतलब आप, मैं पहले जमाने में याद करता हूँ कि कॉलेज के दिन अपने रोमांस के लिए, अब आज की तारीख में मोबाइल व्हाट्सएप सब कुछ है, पहले हम मुकर्रर करते थे कि फलां तारीख को फलां टाइम पे फलां जगह पे मिलेंगे। आप स्कूटर या अपनी कार लेके वहां पर पहुंच गए और इंतजार कर रहे हो कि गर्लफ्रेंड कब आएगी। तो आज तो ऐसा नहीं है, आज तो आप 2 मिनट लेट हो जाओ तो फोन आ जाएगा, वेयर आर यू। तो ये सब चीजें हैं यार विद द टाइम। अब पहले जमाने में बताइए आप कैसे होता होगा, है पहले जमाने हमने कैसे किया होगा। आई थिंक कामकाज के लिए तो शायद टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बेटर है, बट इतने सारे शायद सवाल जितनी जल्दी आ जाते हैं वो थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता होगा टैकल करना। Exactly. सर मुझे बताओ आपका पहला फोन कौन सा था? नोकिया 5110 और मैंने 99 में लिया था। मैं चंडीगढ़ इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, मूव टू दिल्ली, और मैंने मोबाइल फोन लिया 9200 रुपीज का था, 9200 रुपए का, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी यार। और उस टाइम पे आउटगोइंग 8 रुपए की थी, इनकमिंग 8 रुपए की थी, और मैं दिल्ली से, चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट हुआ था, विच मीन्स कि अगर मुझे STD कॉल करनी है 1 मिनट की भी तो 50 रुपए लग जाते थे। और जब मैं चंडीगढ़ जाता था तो 10 रुपए पर मिनट मुझे रोमिंग भी देने पड़ते थे, एक मिनट के। मतलब उस टाइम मेरी 14-15 हज़ार रुपए सैलरी थी यार, और 5,000 रुपए मेरा बिल आ जाता था टेलीफोन का। फिर भी देते थे, गर्लफ्रेंड्स कितनी थी सर? मुझे ये मत नहीं, एक ही से क्या कहते हैं, एक ही काफी, बाकी से माफी। बट उसमें क्या था कि तब मोबाइल फोन वाज अ फैड यार, उस वक्त हिंदुस्तान में कहां लोगों के पास मोबाइल फोन था। इट वाज अ बिग, और मुझे भी लगता था, मुझे बड़ा गिल्टी फील होता था कि यार मैंने 10,000 रुपए का फोन ले लिया यार, 8 रुपए आउटगोइंग, 8 रुपए इनकमिंग। अच्छा कभी कभी होता था, मेरी एक कलीग थी, वो मुझे जैसे वो किसी स्टोरी के लिए फोन कर रही है, इंडियन एक्सप्रेस में होती थी, उनका फोन आता था और मैं डरते डरते फोन उठाता था, वो कहती थी ये हो गया, देन आई एम डूइंग दिस स्टाफ और ये स्टोरी में ये, मैं कहता जल्दी बोल भाई, मीटर तो इधर भी डाउन है। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम, ये था। बट काफी देर नोकिया तो पूरा हिंदुस्तान, तब पूरी दुनिया शायद नोकिया ही नोकिया होता था। नोकिया के बाद दौर आया था ब्लैकबेरी का, बिल्कुल। तो मैं ब्लैकबेरी ही था, सिर्फ मैंने ब्लैकबेरी लिया था 2006 में। मैं वेस्ट इंडीज से वापस आ रहा था एक सीरीज कवर करके इंग्लैंड में, और मैं ये ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट नहीं है, मेरी सीक्रेट है, शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ सबको जा। वहाँ पे इंग्लैंड में, लंदन में, आपको पता है साउथ हॉल मार्केट है, अपने सारे हैं, अपना सरदार जी सारे, ठीक है, वो चोरी के फोन मिलते थे वहाँ पे। तो मैंने पहला फोन लिया ब्लैकबेरी, नया होता था, बॉक्स पैक। हाँ जी, वो क्या होता है वहाँ पे, वो कह देते हैं जी चोरी हो गया, वो इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं और हाफ कॉस्ट में फोन बिक जाता था। मैंने ले लिया वो ब्लैकबेरी, तब वो होता था वो रोलर। फिर मैंने एक और ब्लैकबेरी लिया, फिर मैंने एक और ब्लैकबेरी लिया। अच्छा, माय नेफ्यू वाज इन लंदन एट दैट टाइम, और 6 महीने में ब्लैकबेरी नया फोन लॉन्च होता था, चोरी का अपने पास आ जाता था। तो मैंने हर ब्लैकबेरी को इस्तेमाल किया और मुझे लगता था, और मैं लोगों से बहस करता था, ये वो टाइम है जब आहिस्ता आहिस्ता आईफोन आया, 2005-6, ये 6 में मैंने लिया था पहला ब्लैकबेरी। राइट, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आई थिंक आईफोन्स तो इंडिया में 2010-11 में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। मैं लोगों से सुनता था यार आईफोन, मैं क्या आईफोन यार, ब्लैकबेरी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इंसिडेंटली मैं ब्लैकबेरी से आईफोन बड़ा लेट स्विच किया मैंने, यूड बी सरप्राइज, मैंने 2014 में स्विच किया। आईफोन 6 लॉन्च हो रहा था इंडिया में, अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, वैसे मैं याददाश्त अच्छी है, आई थिंक 17th अक्टूबर 2014 या 15th अक्टूबर 2014 था।
मैं ऑफिस से घर जा रहा था और उस रात को 12 बजे लॉन्च होना था. मेरे पास तो ब्लैकबेरी था जी, हालांकि मैं 50-50 था यार, 50,000 रुपये या 53,000 का फ़ोन था. और मैं घर पहुंचा, रास्ते में तो मैंने देखा वो, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, गैलेरिया मार्केट मेरे घर के साथ है, तो मैंने देखा वो रेड कारपेट बिछे हुए और लोग जो है बिल्कुल ऐसे लगा क्रिसमस का कार्निवल हो रहा है, क्योंकि रात को 12 बजे फ़ोन मिलने थे और मैंने कोई बुकिंग नहीं की थी. जैसे फ्रेंड ऑफ माइंड उनकी शॉप है गैलेरिया मार्केट में गुड़गांव में, तो मैं घर पहुंचा और घर पहुंच के ना मैंने बड़ा मायूस सा चेहरा बना के आई वॉज वॉशिंग माई फेस और माई किड्स वर वेरी एक्साइटेड. और मेरी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा यार वो देख रहा था बड़ा रश था, लाइनें बड़ी लंबी लंबी लगी हुई थी, आईफोन लॉन्च हो रहा है ये वो लटर बटरम. सो दे लुक्ड एट मी, उन्होंने कहा कि आप भी ले लो. मैं कहा नहीं नहीं यार, आई कांट अफोर्ड. वैसे ही ड्रामा और मार्टियर बना. उन्होंने कहा नहीं नहीं हम जाएंगे. तो दिस वॉज रात के 12 बजे और मैंने फिर अपने फ्रेंड उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि यार ऐसे ऐसे इज़ इट पॉसिबल कि अगर हम आ जाएँ फ़ोन मिल जाएगा. उन्होंने कहा आओ. मैं फटाफट अपना क्रेडिट कार्ड जेब में डाला, हाँ जी, पैदल हम पहुँच गए और बड़ा VVIP टाइप ट्रीटमेंट. उन्होंने हमें वो जो रेड कारपेट था उससे लाइन जंप करा के सीधा उनके शोरूम के अंदर. और रात को 12:30 बजे उनके पास हैंडसेट्स आए, हाँ जी, एकदम आने शुरू हुए. तीसरा या चौथा उन्होंने मुझे दिया और iPhone 6. और मुझे किसी ने कहा था शिवम उस वक्त कि यार अगर आप iPhone स्टार्ट कर दोगे ना यूज़ करना तो उसके बाद आप भूल जाओगे बाकी सब कुछ. मैंने कहा यार पता नहीं कैसे होगा. एक्चुअली जब मैं सुबह उठा हूँ और 9-10 बजे मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ, आई वॉज इन लव विद दैट फोन. वो फोन आज भी है मेरे पास. ओवरनाइट. हालांकि आईपैड मैं यूज़ कर रहा था. एप्पल का सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने आईपैड लिया था, इंग्लैंड से लिया था 2011. लॉर्ड्स में टेस्ट मैच चल रहा था, तो मैं और मेरे कलीग थे, हमने डिसाइड किया था हम कि लेंगे. उस वक्त वो ब्लैकबेरी का एक आता था, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया. ब्लैकबेरी का फ्लिप फोन एक आता. नहीं नहीं वो उनकी ऐप, ये जैसे आईपैड है उसी तरह का उनका भी आता था, ब्लैक नोटबुक टैबलेट था उनका, टैबलेट था. ये ले वो ले, ये ले वो ले, ये ले वो ले. और इंसिडेंटली सौरभ गांगुली के सामने डिनर किया दोनों ने रात को और दादा ने कहा कि ब्लैकबेरी ले लो बहुत अच्छा है वो. उनका सौरभ गांगुली को भी ब्लैकबेरी ही पसंद, प्लेमेट या नोटबुक कुछ ऐसा ही नाम था उसका. हम लेने गए दोनों और वहाँ पे बड़ी फेमस मार्केट है लंदन में, टोट टाइम कोर्ट रोड, वहाँ गए. हमने कहा जी वो ब्लैकबेरी, तो उसने समझाया हमें बंदे ने, वो पंजाबी था, कहता पाजी है ना लो तुसी आईपैड लो. हमने आईपैड ले लिया और मुझे याद है हमने उसको अनबॉक्स किया लॉर्ड्स के प्रेस बॉक्स में आके. बट अगेन वहाँ से मुझे एप्पल प्रोडक्ट्स की आदत तो हो गई थी बट फ़ोन नहीं पता था. बट एक्चुअली उसके बाद से तो मैंने एप्पल के अलावा कहीं गया ही नहीं. और तो ब्लैकबेरी आई थिंक मैं भी जब शुरुआत में जब फ़ोन यूज़ कर रहे थे तो ब्लैकबेरी से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था. बट ब्लैकबेरी जब स्विच करके एप्पल यूज़ करना शुरू किया था, आई वॉज इन लव विद एप्पल. मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ. हाँ जी, एक मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको. ये सचिन तेंदुलकर ने जिस दिन अपना 50th टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, सचिन तेंदुलकर की साथ की फोटोग्राफ, ये मैंने उनका इंटरव्यू किया था. ये जोहानिसबर्ग में सैंटन सन एंड वो होटल है. हाँ जी, हाँ जी. तो ये ब्लैकबेरी का फ्लिप फोन आया था, मैं इसका नाम भूल गया, बोल्ड कहते थे या कर्व कहते थे कुछ कहते थे, ये देखिए. हाँ जी, तो उन्होंने लिया था सचिन ने. तो सचिन मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे ये फोन अच्छा है, अच्छा ऐसा है वैसा है, ठीक है. अगले दिन मैंने फोन ले लिया. अब सचिन तेंदुलकर बोलेंगे तो फोन तो भाई मानना ही पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा. बट वो उस टाइम पे ब्लैकबेरी, उस टाइम सारे प्लेयर्स भी ब्लैकबेरी यूज करते थे मुझे याद है. मैं लोगों से पूछता हूँ यार आप मुझे मेरे काम को कैसा देखते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छे हैं आप. तो मैं पूछता हूँ क्यों, कहते हैं सर आप बातचीत करते हैं, तो आपका भी जो आपकी USP है वो है बातचीत करना. अगर आप टेक्निकल टर्म्स में समझाना शुरू कर देंगे ना तो मेरे जैसा लेमैन कुछ नहीं समझेगा, बिकॉज आप उसको सिंपल तरीके से समझा रहे हो ना. दैट इज वाई टेक तक पर हमारे शिवम जो है हमारे हीरो हैं, सीरियसली. Thank you, sir. Thank you so much. And Tech Tuck is definitely very, very happy. Imam, Shruti, मैं, हम तीनों were very, very. मैंने चाय पी है इसके अंदर. चाय अदरक वाली. चाय पी है इसके अंदर अदरक वाली. It is very good. Very nice. Thank you so much for having us, sir. अरे my pleasure. अब बिल्कुल एक बार फिर से हम आपसे बात करेंगे और जितनी भी क्रिकेटर्स की कहानी है आपकी अपनी कहानियाँ हमेशा सुनने के लिए हम लोग. जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मुझे बता देना मैं दाढ़ी को थोड़ा सा ना मस्कारा लगा के आऊँगा. लोग बड़े वो होते हैं कि आप टीवी पे यार आपकी दाढ़ी ब्लैक हो जाती है और इस पे वाइट, क्योंकि मैं हल्का सा मस्कारा लगा लेता हूँ उम्र छुपाने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर टेक तक का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और देखने के लिए फेसबुक पे फेसबुक आइकन को टच करें, टेक तक को सर्च करें, टेक तक के फेसबुक पेज पे जाएं, फॉलो पर टच करें और उसके बाद सी फर्स्ट को टच करके सेलेक्ट करें और सबसे पहले पाएं टेक तक का वीडियो अपनी टाइमलाइन पर.